आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि चौधरी मोहम्मद अरशद राई उम्मीदवार एमपीए पीपी 205 खानेवाल भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चौधरी अरशद राई ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। इनका कहना है कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं, वो इलेक्शन लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अब्दुल हकीम सिटे के मारूफ कारोबारी शख्सियत मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद जावेद अमीर साहब की जानिब से मरहबा होटल पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। बिलखसूस उम्मीदवार एमपीए पीपी हलका 205 चौधरी मोहम्मद अरशद अराई और उम्मीदवार एनए 145 मियां मोहम्मद जावेद अराई, प्रेसिडेंट जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी हाजी मोहम्मद इकबाल अराई, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया अब्दुल हकीम राना मुख्तार हुसैन नंबरदार साहब, चौधरी मोहम्मद खालिद अराई, इंचार्ज खिदमत मरकज डॉक्टर शफकत हुसैन अराई भी मौजूद थे। तमाम आने वाले लोगों ने चौधरी जावेद अमीर का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद में वॉइस न्यूज की टीम के एजाज में तहसील प्रेस क्लब अलीपुर चट्ठा का यम फूड में ग्रैंड इफ्तार डिनर, जिसमें जिला भर से इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। शुरका ने वॉइस न्यूज और इसकी भरपूर रीजन की सलाहियतों का एतराफ करते हुए शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा की वॉइस न्यूज चैनल जिस तरह से अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहा है, इंशाल्लाह ताला मुल्क और कौम की तरक्की खुशहाली में भी अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। आखिर में जिला वजीराबाद से वॉइस न्यूज के ब्यूरो चीफ नवीद अहमद भट्ट ने तहसील प्रेस क्लब अलीपुर चट्ठा के शानदार इफ्तार डिनर देने और वॉइस न्यूज की खिदमत का एतराफ करने पर तह दिल से शुक्रिया अदा किया। कबल अजीन तहसील प्रेस क्लब के ओहदेदार ने गुलदस्ते पेश करके वॉइस न्यूज की टीम का इस्तकबाल किया। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद सलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी धरती धनी तहरीक की मरकजी काल पर कंदकोट में कत्ल होने वाले प्रोफेसर अजमल सामंत के कातलों की गिरफ्तारी के लिए नादरा चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली तालुका सदर रफीक अहमद चन्ना, गुलाम हैदर कोसो, धरते धनी, तालुका सदर जाहिद खालिक सोलंगी, नियाज अहमद जगदानी और देकर की क्यादत में निकाली गई। रैली में सिंध तरक्की पसंद धरती धनी तहरीक, शहरी इतिहाद, शहरी एक्शन कमेटी, जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्लेट कार्ड उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि कबायली तकरार के नाम पर जालमों ने इलम का कत्ले आम किया है। प्रोफेसर अजमल सामंत के कत्ल में मुलव्वस तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए, कबायली तकरार पर जाब्ता पाया जाए। अजमल सावंत साहब के जो कत्ल की वो आई, अजमल सावंत साहब जो कत्ल ना समूरी सिंध जो कत्ल है, ये सिंध जे खास करे कश्मीर जिलो, घोटकी जिलो, सक्कर जिलो, इन जे अंदर कंदकोट अंदर जो कबीलाई तकरार है, ये भी सोचल समझल साजिश के तहत ही रहा है।